अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ तकरीबन 40 से 50 साल हो गए हाथों के साथ मशीनें चलाते थे, प्रोडक्शन का दौर नहीं था। आज तो प्रोडक्शन का दौर है, आ रहा है कि छोटी छोटी मशीनें भी हैं, जिन डाटा केबल वाले लोग हैं डाटा केबल की मशीनें भी बनाते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे मालूमात हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है, इतनी इन्वेस्टमेंट लगाओगे ये बेनिफिट होगा, और यह कि ऐसा ना हो कि तुम अपनी इन्वेस्टमेंट ज़ाया कर लो। बिल्कुल, हम देखो ये काम हम इसलिए कर रहे हैं कि इबादत समझ के कर रहे हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी खूबी जो है इसके अंदर नकद पैसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद नवीद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इजी बिजनेस आइडियाज। व्यूअर आज की बड़ी खुशामदीद और उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। व्यूअर आज मैं आया हूँ राजा असलम साहब के पास, इनकी मशीनरी की मैनुफैक्चरिंग है, मशीनें वगैरह बनाते हैं, इनकी कंपनी है राजा एंड सन्स के नाम से। तो जो व्यूअर्स हैं पाकिस्तान में जो हालात हैं कारोबार के, तो हर कोई चाहता है कोई ना कोई चीज़ अपनी प्रोडक्ट बनाए, अपनी कोई आइटम बनाए, तो उन आइटमों को बनाने के लिए आपको मशीनों की ज़रूरत होती है। तो जो मशीनें बनाने की फील्ड है ना, इसके अंदर बड़े मसले मसाइल आते हैं, बड़ी प्रॉब्लम आती हैं। जो लोग नए हैं वो जो मशीनें बनवाना चाहते हैं उनको कोई सही डीलर नहीं मिलता मशीनें बनवाने के लिए। इनका एक तो माशाल्लाह एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है इस फील्ड के अंदर, अभी हम बात करेंगे इनसे, मशीनों के एक्सपीरियंस के बारे में भी जानेंगे और ये कौन कौन सी मशीनरी वगैरह बना रहे हैं और कौन कौन सी आइटम आप उससे कौन कौन सी प्रोडक्ट बना सकते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ठीक, अच्छा राजा असलम साहब, सबसे पहले तो हमारे व्यूअर को ये बताएं आपको मैन्युफैक्चरिंग की जो ये फील्ड है, मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड है, इसमें आपका कितना एक्सपीरियंस है, कितना अरसा हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ तकरीबन 40 से 50 साल हो गए। माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस है आपका। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस, हम प्लास्टर की हर किस्म की मशीन बनाते हैं। यानी कि उस वक्त तो बहुत कम लोग होंगे इस फील्ड में मशीनरी मेकिंग के। उस वक्त तो लोग हाथों के साथ मशीनें चलाते थे, प्रोडक्शन का दौर नहीं था। आज तो प्रोडक्शन का दौर है, आज तो हर आदमी प्रोडक्शन है, जिसको रात को प्रोडक्शन नहीं करेगा उसको रात कुछ बचेगा नहीं। बिल्कुल, जो जिससे ज़्यादा प्रोडक्शन होगी वही कामयाब है। बहरहाल है कि छोटी छोटी मशीनें भी हैं, जिन डाटा केबल वाले लोग हैं डाटा केबल की मशीनें भी बनाते हैं हम, और उसके अंदर लोग छोटा सा बिजनेस है मोल्डिंग ले लेते हैं और साथ डाटा केबल की मशीन, हम उसको हाइड्रोलिक भी बना के दे सकते हैं, ऑटो भी बना के दे सकते हैं, और उसके अंदर हम हाइड्रोलिक के अंदर सेमी ऑटो बना सकते हैं। चाइना फिटिंग होती है जो घरों में लगती है, इसकी मशीनें भी हमने बनाई हैं और वो चल रही हैं लोगों के पास। अच्छा असलम साहब, हमें ये बताएं नाम बताएं कौन कौन सी मशीन जो है बना रहे हैं आप? हम मैं बना रहा हूँ ब्लो मोल्डिंग बना रहा हूँ। ठीक है, ब्लो मोल्डिंग मतलब होता है जार बना सकते हैं, बोतल बना सकते हैं। उसमें लुब्रिकेटिंग के लिए मोबाइल के लोग कारखाना का लगाते हैं जी, उसके लिए एमटी जो होती है वो हम मशीन उनकी बनाते हैं। ठीक है, लीटर से लेकर 30 लीटर तक। ठीक है, फिर उससे आगे छोटी जो डॉक्टरों के पास बोतलें लेकर जला जाते हैं वो मशीनें होती हैं दवाइयाँ डालने के लिए डॉक्टरों के पास, वो छोटी मशीनें होती हैं, छोटा सा बिजनेस लगा के लोग अपना काम चला लेते हैं। ठीक है ना, वो भी हम बनाते हैं। और उसके अलावा रिसाइकलिंग करने के लिए जो पुराना मटीरियल होता है उसको क्रशर बनाते हैं, दाना बनाने वाली मशीन बनाते हैं। उसके अलावा शॉपिंग बैग की मशीनें बनाते हैं। ठीक है, शॉपिंग बैग जो हैंड बैग आम इस्तेमाल, हाँ इसकी मशीन इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा देर से बना रहे हैं, और पाकिस्तान में वह धारा हमारा जो बड़ी मशीन है, और जो एग्रीकल्चर के लिए बड़े बड़े होते हैं जिसके अंदर सब्जियाँ उगाते हैं वो भी हमारी मशीनों पर बनते हैं। ठीक है, उस मशीन का क्या नाम है? उसका नाम शॉपिंग बैग, उसका नाम होता है एग्रीकल्चर मशीनरी होती है उसको कहते हैं। ठीक है, वो बड़े यूनिट है, लेकिन हमारे पास जो छोटे वो हमारा एक सेटअप उधर है अपना कोट अब्दुल मालिक में। ठीक है, अब मैं जो यहाँ ये जो जहाँ मैं बैठा हूँ इसी से सारी शाखें निकली हैं, मेरे बच्चे आज वो काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मखलूक जो है हमसे फ़ायदा उठा रही है माशाल्लाह, अल्लाह की तौफीक से हो रहा है, हम तो कुछ नहीं कर सकते जी जी, लेकिन है कि हम छोटा बिजनेस के लिए लोगों को प्रोवाइड करते हैं, छोटी हाइड्रोलिक मशीन है सिंगल जैक। ठीक है, ब्लो मोल्डिंग सिंगल ऑटोमेटिक भी बनाते हैं। ठीक है, और यह के इंजेक्शन मोल्डिंग सेमी ऑटो वो भी बनाते हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग जो सेमी ऑटो है ना, इसके बारे में थोड़ा सा हमें व्यूअर को बताइए, इसे कौन कौन सी आइटम बनाई जा सकती है? इसके अंदर ढक्कन बनाए जा सकते हैं, जो चाइना फिटिंग होती है वो बनाई जा सकती है, बटन सॉकेट चाइना फिटिंग के चाइना होती है, हैंगर बनाए जाते बना सकते हैं, छोटे मोटे हैंगर बनाओ बड़े बनाओ, और उसके अंदर ढक्कन होते हैं हर किस्म का ढक्कन बन सकता है ऊपर लगाने वाला, हाँ वो ढक्कन प्लास्टर की कोई भी छोटी आइटम आप बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते, हम बात वो करेंगे जिस पे हमारा अबूर है। ठीक
ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक की आइटम होगी, फैन बॉक्स, वो बन सकते हैं, बोर्ड हो गए जो अंडरग्राउंड बोर्ड लगते हैं, इसको चाइना फिटिंग बोलते हैं, ये सारी इसको चाइना फिटिंग करते हैं, ये सारी बन सकती है। ठीक है, वो फैन बॉक्स की जो प्लेटें होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल बनती हैं वो सारे, ये बोर्ड जो सामने नजर आ रहे हैं स्विच होते हैं जी जी, जो वो इस तरह की काफी रेंज बन सकती है बड़ी। अच्छा, ये जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है जो पाकिस्तानी मेड आप बना रहे हैं, सेमी ऑटो, ये कितने ग्राम का पीस बना सकती है? हमारे पास जो है 70-80 ग्राम जो है वो कर सकते हैं हम। ठीक है, अच्छा इस मशीन को चलाने के लिए सिंगल फेस मीटर की जरूरत है या थ्री फेस की? इसके लिए थ्री फेस मीटर चाहिए। हाँ, थ्री फेस मीटर चाहिए, और दूसरी मशीन है जो छोटी है उसके लिए सिंगल फेस चाहिए। आफ्टर ऑल है कि थ्री फेस मीटर जो है ज्यादा कारगर है, घरों के लिए छोटी मशीनें जो है बोतलें बनाने वाली उनके लिए सिंगल फेस भी चल सकता है। ठीक है, ब्लो ऑटो मोल्ड अगर मशीन लगानी हो, किसी ने छोटी बनानी हो, तो वो घर वाले मीटर पे चल सकती है। ठीक है, इसके अलावा जो ये जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है इसकी क्या प्राइस है? इसकी प्राइस है कुछ 5 लाख है, कुछ 6 लाख है। ठीक है, नियर अबाउट साइज के हिसाब से कोई होता है? साइज के हिसाब से होता है ना, उसके अंदर ये स्क्रू लगा होता है, आगे बांग होती है हाइड्रोलिक, पीछे मतलब चार्जिंग भी है, वो जो स्क्रू के साथ चार्जिंग होती है ना। ठीक है, हाँ, उसके अंदर है कि हर किस्म की हम रिसाइकल भी करते हैं मशीनें, जो मतलब है जिसको कहते हैं कि यूज में मशीन लेके उसको पूरा दोबारा से उसको बनाना है, उसका पंप भी चेंज कर देते हैं, प्लेटें चेंज कर देते हैं, उसके बुश चेंज कर देते हैं, मुकम्मल आर्टिशन हो जाएगा, रिकंडीशन सारी, जिसको रिकंडीशन हो जाती है, बेहतरीन चीज बन जाएगी। हाँ, ठीक है। अच्छा, इसको चलाना ऑपरेट करना कोई ज्यादा मसला तो नहीं है? नहीं, ज्यादा ऑपरेट करना इजीली, लेकिन है कि उसको पहले सीखना जरूर पड़ेगा, ऑपरेटर कोई ना कोई एक लगाना पड़ेगा, वो उनको समझाएगा, हीट का हीट कंट्रोलर जो लगे होंगे, ऑटोमेटिक डिजिटल पैनल लगा होगा। ठीक है, जितनी हीट रखनी है रख लो, उसके बाद जितनी डिक्रीज करनी है डिक्रीज हो जाएगी, और है कि कुछ थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। ठीक है, चल ऐसा मुख्तसर ये कि आप पहले सेलेक्ट कर लें आप कौन सी आइटम बनाना चाहते हैं, प्लास्टिक की बोतल बनाना चाहते हैं, कोई इलेक्ट्रिक आइटम बनाना चाहते हैं, हाँ बनाना चाहते हैं आप, कोई शॉपर बनाना चाहते हैं, कोई इलेक्ट्रिक की कोई भी या कोई प्लास्टिक की कोई भी आइटम सेलेक्ट कर लें, उसके बाद आपसे रابطہ कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे मालूमात हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। हाँ, वो आपसे रابطہ करें, जी मुझे ये आइटम मैं बनाना चाहता हूँ, मुझे इसकी मशीन चाहिए। भाई मैं कह रहा हूँ कि मैं मखलूक का भला करने के लिए हर किस्म की मालूमात जो मैं फ्री दूंगा, कोई उसका कोई, अलबत्ता उसको गाइडलाइन भी देंगे कि भाई आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है, इतनी इन्वेस्टमेंट लगाओगे ये बेनिफिट होगा, और यह कि ऐसा ना हो कि तुम अपनी इन्वेस्टमेंट ज़ाया कर लो। बिल्कुल, हम देखो ये काम हम इसलिए कर रहे हैं कि इबादत समझ के कर रहे हैं। ठीक है, लोगों का भला हो जाए, रोजगार चल जाए, छोटे लोग रिस्क से तंग हैं। बिल्कुल, लेकिन है कि हम चाहते हैं कि यार हमारी वजह से कोई आदमी काम पे लग जाएगा। ठीक है, दुआएं देगा। और हमारे पास तो अल्लाह का शुक्र है, मैं तो नियर मतलब है मुझे कोई काम की इतनी जरूरत नहीं है, बच्चे काम कर रहे हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, लेकिन मैं लोगों की खिदमत के लिए बैठा हूँ। बिल्कुल, हाँ चलो अब कमाई कर ली है, बारह लेकिन ये है कि मैं यूज टू अपने आप को रखने के लिए घर से आ जाता हूँ, सुबह 12 बजे तक 11 बजे तक मैं यहाँ आता हूँ, उसके बाद नमाज असर पढ़ के मैं घर चला जाता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा असलम साहब, आजकल बड़ा ट्रेंडिंग बिजनेस है रिसाइकलिंग का, जैसे ये पेट बोतल है इसको क्रश करने, ये बड़ा अच्छा बिजनेस है। इसमें है कि सबसे बड़ी खूबी जो है इसके अंदर नकद पैसे मिलते हैं, इसके खरीदने वाले पाकिस्तान के अंदर बहुत डीलर हैं। ठीक है, सुंदर स्टेट में लोगों ने रू बनाने वाले कारखाने लगाए हैं, रुई वो इसी से बनती है, इसी से प्लास्टर बनता है, प्लास्टर इसका प्लास्टर यह है कि इसके अंदर सफेद रंग की बोतल है, एक सफेद रंग की बोतल है जी जी, इसको अलग अलग क्रश करो। ठीक है, और थोड़े बनाओ और इसको वाश कर लो, वाश करने वाला यूनिट भी वो अलग है, लेकिन वो अगर आप क्रश करके ले जाएं तो बाल साफ हो तो वो फौरी चेक कर लेंगे, और आपसे ये इसके अंदर 10-15 रुपए मार्जिन है, कैश पे काम है। अच्छा, इसका यूनिट लगाने के लिए कितना खर्चा आ जाता है? इसका खर्चा तकरीबन जो विदाउट अनवाशेबल है ना, एक वाशेबल के लिए आगे प्लांट लगाना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए तकरीबन 20 लाख रुपए की जरूरत है। ठीक है, और इसको अगर अनवाशेबल करना है तो इसके लिए 10 से 12 लाख रुपए की जरूरत है। ठीक है, 10 लाख से भी स्टार्ट हो सकता है। आपने ये बोतल इकट्ठी करनी है, उसको क्रश करके आपके पास बोतल खरीद करने के लिए इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, और यह कि इसको इसके अंदर क्रश करके स्टिकर उतार के और यह कि थोड़ा बांध के 10,000 बंदे हैं हमारे पास, उनके नंबर मौजूद हैं,
वो जो खरीदने वाले बैठे हैं माल होना चाहिए, माल होना चाहिए, जितना माल वो उठा लेंगे माल बनाए और बेचे कैश पे। हाँ, इसकी मशीन जो बनती है वो तकरीबन 8-9 लाख रुपए की मशीन बनती है, ठीक है। हाँ, इतने 10 लाख रुपए इस पे इन्वेस्टमेंट हो जाती है, मोटर शोटर लगा के ये 10-12 लाख रुपए में सारा काम चल जाता है, ठीक है। माशाल्लाह, ठीक हो गया राजा अकरम साहब, इन्फॉर्मेशन देने का शुक्रिया। लास्ट में अगर हमारा कोई व्यूअर आपसे मिलना चाहता है तो उसको अपना एड्रेस बता दें, आपका जो फ़ोन नंबर है वो हम वीडियो में चला देंगे, आपसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन, मेरा जो है ये है कि एम ए राजन सर, मेरा नाम राजा मोहम्मद असलम है, मैं UBL बैंक के सामने चौक बेरीवाला लाहौर बलालगंज, ठीक हो गया। और नंबर मेरा आपको 0322-4423-934, ठीक हो गया, ये मेरा नंबर है। कोई कांटेक्ट करना, कोई कांटेक्ट करेगा तो मैं इंशाल्लाह उसको अच्छे तरीके से गाइड करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह, और फ्री ऑफ कास्ट करूंगा, ठीक हो गया। लेकिन और मैं जो भी मशीन बनाता हूं उसको चालू करके तसल्ली करके क्लाइंट को देता हूं, यानी कि आफ्टर सेल सर्विस भी देते हैं, अगर अलबत्ता कोई अगर कोई मेन एक्सीडेंट ना हो, छोटी मोटी हो, तो उसके लिए भी हम इंशाल्लाह पूरा का ऑपरेट करेंगे इंशाल्लाह। तो व्यूअर, ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए।